हाय फ्रेंड्स, मैं दक्षिणा आज आपकी NIOS से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करूंगा। मैंने 10 CBSE बोर्ड से करी थी और मैंने प्लस टू NIOS बोर्ड से सही कोचिंग क्लासेस के गाइडेंस के अंदर की है और मेरे 90% नंबर आ गए थे, जिस कारण मेरे को आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ में एडमिशन मिल गई है। और सही कोचिंग क्लासेस में मैंने रेगुलर क्लासेस लगाई थी और इन्होंने मेरी बहुत सहायता करी मेरे 90% मार्क्स अचीव करने के लिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम NIOS से प्लस टू क्लियर करें तो आगे हमें कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। NIOS से प्लस टू करने के बाद हमें आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। ये बोर्ड हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है। कई लोग होते हैं जो टेंथ NIOS करने के बाद ये समझते हैं कि हमें आगे प्लस वन प्लस टू स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगी, ये भी बिल्कुल ही गलत है। हमें आसानी से किसी भी स्कूल में टेंथ NIOS करने के बाद प्लस वन प्लस टू में एडमिशन मिल जाएगी। और ये बोर्ड बल्कि बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्टेबल है। हम प्लस टू NIOS से करने के बाद स्टडी वीजा अप्लाई करने के बाद बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे NIOS के सिलेबस की। ये सिलेबस रोज ही बहुत ही इजी सिलेबस होता है इसका। अगर हम रोज पढ़ाई के 2 घंटे निकालें तो आसानी से अच्छे नंबर से प्लस टू क्लियर कर सकेंगे NIOS के लिए। और अब बात करें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, उनको स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम NIOS से करें तो हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है और हम अच्छी तरह से अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 9th में फेल हो गया है तो वो NIOS में डायरेक्ट 10th कर सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट प्लस वन में फेल हो गया है वो NIOS में डायरेक्ट प्लस टू कर सकता है, जिसमें हमारा एक साल बच जाता है। इसका यह भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यह स्टूडेंट का साल खराब नहीं होने देता। और अगर कोई स्टूडेंट 10th में फेल हो गया या प्लस टू में फेल हो गया तो ऑन डिमांड एग्जाम के जरिए अपना 10th और प्लस टू कुछ ही महीनों में क्लियर कर सकता है और उसका साल खराब होने से बच जाता है। एक ऑन डिमांड एग्जाम हर मंथ होते हैं, एवरी मंथ ऑन डिमांड एग्जाम लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा NIOS के बेनिफिट्स। NIOS के एक बेनिफिट्स ये है कि इसमें फीस बहुत ही रीजनेबल है, यह बहुत ही सस्ते रीजनेबल फीस है इसकी। और रेगुलर स्कूल आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सरकार से भी पूरी मान्यता इस बोर्ड को प्राप्त है। आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। बाहर भी जाने के लिए भी ये बोर्ड एक्सेप्टेबल है, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी। आप किसी भी, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बोर्ड वहाँ भी एक्सेप्टेबल है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई NIOS के लिए डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।